हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे को मैथ। मैथ में पढ़ेंगे को मल्टीप्लिकेशन सवाल सिंगल डिजिट। स्टूडेंट फोकस दिस, ध्यान दीजिए। पहला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, हमें 3 × 5, बच्चों में 3 का डिजिट पढ़ना है 5 टाइम्स। तो स्टूडेंट 3 × 5 से कितने होते हैं? 15। 3 × 5 से होते हैं हमारे 15। ओके, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए दिया हुआ है 3 × 2, 3 का डिजिट पढ़ना है 2 टाइम्स। 3 × 2 कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट देखिए, अब हमें 4 डिजिट पढ़ना है 4 टाइम्स। 4 × 4 कितने होते हैं? 4 × 4 = 16। ओके, नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है 5 × 8, 5 का डिजिट पढ़ना है 8 टाइम्स। 5 × 8 कितने होते हैं? 40। आगे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अब 9 का डिजिट पढ़ेंगे 10 टाइम्स। 9 टाइम्स कितने होते हैं? 90। नेक्स्ट देखिए, अब हम 4 डिजिट पढ़ेंगे 5 टाइम्स। 4 × 5 कितने होते हैं? 20। 4 × 5 = 20। आगे ध्यान दीजिए, अब देखिए 1 डिजिट पढ़ेंगे 9 टाइम्स। 8 टाइम्स कितने होते हैं? 8 × 9 = 72। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ 6 × 7, 6 डिजिट पढ़ेंगे 7 टाइम्स। 6 टाइम्स कितने होते हैं? 6 × 7 = 42। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, 7 का डिजिट पढ़ेंगे 3 टाइम्स। 7 से कितने होते हैं? 7 × 3 = 21। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट देखिए 5 × 7, 5 का डिजिट पढ़ेंगे 7 टाइम्स। 5 से कितने होते हैं? 5 × 7 = 35। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट देखिए 6 × 9, 6 का डिजिट पढ़ेंगे 9 टाइम्स। 6 से कितने होते हैं? 54। आगे ध्यान दीजिए, अब देखिए 8 का डिजिट पढ़ेंगे 4 टाइम्स। 8 × 4 कितने होते हैं? 32। 8 × 4 = 32। ओके, इनके बच्चे थे, प्रैक्टिस करें आगे।